परिचित और इंटरेस्ट को अध्ययन करने के लिए मैं यहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रेडिटर्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ताकि जो जो होलसेलर मुझे सेल किया है प्रोडक्ट और जिससे मैं प्रोडक्ट परचेज किया हूँ इंटरेस्ट पर, उनका एक जगह ग्रुप रहे, उसके लिए मैं एक इंटरेस्ट क्रेडिटर नाम से ही ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट्स इन्फो में आए और अकाउंट्स इन्फो में आ करके इंटर बटन क्लिक किए। यहाँ अकाउंट्स इन्फो में ग्रुप है, ग्रुप्स पे आते हैं और सिंगल ग्रुप में क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यह हमारा ग्रुप क्रिएशन खुल गया है। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट क्रेडिटर्स अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स। सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर में एक हमने सब लेजर क्रिएट कर लिया, सब ग्रुप क्रिएट कर लिया इंटरेस्ट क्रेडिटर्स, ताकि इंटरेस्ट क्रेडिटर्स एक जगह रहे, खोजने में आसानी हो कि कौन कौन व्यक्ति हमें इंटरेस्ट पर, किस किस व्यक्ति से मैंने इंटरेस्ट पर परचेज किया है या कौन कौन व्यक्ति मुझे इंटरेस्ट पर सेल किया है। अब ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर को यस कर देते हैं, रेस्ट को डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, इंटर मारे एक्सेप्ट। अब हम लोग यहां से एस्केप बटन दाब करके गेटवे ऑफ टैली में चले आए। अब हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं पैसिफिक मर्चेंट्स, क्योंकि हम लोग परचेज किससे कर रहे हैं, पैसिफिक मर्चेंट से, और अंडर इंटरेस्ट क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में इंटर बटन क्लिक किए, लेजर्स में आते हैं क्रिएट। यहां आप देख रहे हैं नेम है, अंडर है और इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट को हाईलाइट करने के लिए इंटरेस्ट यहां हमारे को लेजर क्रिएशन में आ जाए, इसलिए हम लोग F12 कॉन्फिगर पर क्लिक करेंगे। या जो हमारे को वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल बार में सबसे नीचे F12 कॉन्फिगर है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यह हमारे F12 कॉन्फिगर मास्टर कॉन्फिगरेशन आता है, इसमें नहीं है हमारे को इंटरेस्ट एक्टिवेशन को एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए यहां से निकलने के लिए अगर गलती से F12 दबा गया और तो इससे बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएंगे, दो बार दबाए निकल गया। F11 फीचर्स, F11 फीचर्स में अकाउंटिंग के सारे फीचर्स होते हैं। F11 फीचर्स दावे, तो देखिए ग्लोबल बिजनेस स्टोर्स का फीचर आ गया। सबसे ऊपर जनरल में इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, या तो यस है। इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे नो छोड़ दें, सभी को डिफॉल्ट छोड़ते हैं। मेंटेन बिल बाय डिटेल, यस ठीक है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ नो है, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मुझे क्या करना है, अब यस करना है। मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, वाई दाबेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, यस लिखा जाएगा। यूज एडवांस पैरामीटर को भी यस कर देते हैं, और इस प्रकार से इन दोनों को जब हम लोग यस कर देंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज एडवांस्ड पैरामीटर को, तो हमारे को इंटरेस्ट एक्टिवेशन एक्टिव हो जाएगा टैली में। अब इंटर बटन प्रेस करते हुए हम लोग बाहर निकलते हैं, एक्सेप्ट यस, इंटर बटन क्लिक किए। अब देखिए आपको यहाँ लेजर क्रिएशन में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ गया। अब मैं यहाँ टाइप करता हूं पैसिफिक मर्चेंट, पैसिफिक मर्चेंट। डिफॉल्ट रूप से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा नो रहता है। अंडर, अंडर किस में जाएगा, अंडर मैंने एक बनाया था इंटरेस्ट क्रेडिटर्स, तो इसी में ही डाल देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटर्स में। इंटरेस्ट क्रेडिटर्स किसके अंडर में है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में है। मेंटेन बैलेंस बाय बिल, तो यस रहने दे। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, तो नो। इन्वेंट्री वैल्यू जो होता है सिर्फ परचेज और सेल से ही अफेक्टेड होता है, बाकी किसी से नहीं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, वाई क्लिक करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे कि हमारे को इंटरेस्ट पैरामीटर्स का विंडो खुल जाएगा, और इस पैरामीटर में, इंटरेस्ट पैरामीटर में पहला ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसे यस करेंगे। वाई क्लिक करेंगे तो यस लिखा जाता है, वाई क्लिक कीजिए और इंटर बटन प्रेस कीजिए, यस हो गया। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, वाई क्लिक किए इंटर बटन प्रेस किए। ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर, इसे डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, नो रहेगा। रेट हमारे को
क्वेश्चंस में है कि 10% रेट होगा, तो 10% कर देते हैं, टाइप कर दिए, 10% टाइप रहता है। हाँ, इंटरेस्ट का स्टाइल क्या होगा, मंथली है 10%, 30 डे मंथ कि 365 डे ईयर कि कैलेंडर मंथ कि कैलेंडर ईयर। तो हम लोग ले लेते हैं 365 डे ईयर, 365 डे ईयर यानी 10% सालाना इंटरेस्ट है। अब किस पर इंटरेस्ट लगेगा, ऑल बैलेंस, जितना बैलेंस टोटल रहेगा सभी पर हम लोग जो पेड कर देंगे उस पर भी, तो नहीं, जो पैसा ड्यूज रहेगा सिर्फ उसी पर हमारे को इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि जो परचेज कर रहे हैं, जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसके यहाँ जो बैलेंस क्रेडिट रह जाएगा उसी पर मुझे इंटरेस्ट दे होगा। तो क्रेडिट बैलेंस वन ले। एप्लीकेबिलिटी, अब एप्लीकेबल कब से होगा, तो पास्ट ड्यू डेट, जितना दिन आप हमको दीजिएगा उस दिन के बाद से। अगर आप मुझे 30 दिन दिए कि 30 दिन तक पेमेंट कर दो, नहीं तो उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट लगेगा, तो वो पास्ट ड्यू डेट ले लीजिए। ऑलवेज कर देंगे तो शुरू से ही लगेगा। पास्ट ड्यू डेट दे दिए, पास्ट ड्यू डेट यदि 15 दिन देंगे तो 15 दिन में यदि पेमेंट कर देंगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। तो पास्ट ड्यू डेट ले लीजिए। और पास्ट ड्यू डेट कब से कैलकुलेट होगा, बाई, तो 0 डेज लिख दीजिए, जैसे ही खत्म होगा कि 0 डेज से हमारा शुरू हो जाएगा, 1 2 3 करके काउंटिंग शुरू हो जाएगा। और यह हमारा कैलकुलेट फ्रॉम, कैलकुलेट कब से होगा, तो जब हमारा एप्लीकेबिलिटी होगा, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जिस दिन होगा उस दिन से, कहता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या रेफरेंस या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जिस डेट को हमारा एप्लीकेबल होगा उस डेट से हमारे को यह इंटरेस्ट पैरामीटर अप्लाई हो जाएगा। इंटर बटन प्रेस किया। राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को हुआ 3.4 हुआ, तो यह 3 के नजदीक है कि 4 के नजदीक है, 3 के नजदीक, तो 3 के नजदीक यानी वैल्यू आ जाएगा 3। और 3.6 यदि अपवर्ड राउंडिंग ले लिए तो 3.4 भी है और अपवर्ड राउंडिंग रहेगा तो ऊपर की तरफ यानी 4 लेगा, यानी 3.40 रुपया है तो लिखेगा 4 रुपया यदि अपवर्ड राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे, और यदि डाउनवर्ड राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे तो 3.40 रुपया हुआ तो 3 रुपया लिखेगा, और नॉर्मल राउंडिंग में जिधर नजदीक होगा उधर लेगा। तो राउंडिंग को हम लोग नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, कोई राउंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इंटर बटन प्रेस करते हैं, क्योंकि अब कोई दूसरा रेट हम वैल्यू हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इंटर बटन प्रेस किए। हमारे को एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैसिफिक मर्चेंट के लिए अप्लाई हो गया। एड्रेस में एड्रेस दे सकते हैं, नहीं देते हैं, स्टेट में स्टेट, पिन कोड में पिन कोड, ये सब डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, कोई जरूरत मुझे नहीं है, अगर बंद है तो भर दीजिए। इंटर बटन प्रेस किए, पुनः इंटर बटन प्रेस किए, पुनः इंटर प्रेस किए। हमारे को पैसिफिक मर्चेंट विद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ एक्टिवेट हो गया। अब एस्केप बटन दाबते हैं, एस्केप दाब करके गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं।